आज आपको ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में कम समय में ढेर के ढेर जलेबी कैसे बना देते हैं वो आपको एक पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही आटा को मैदा और बेसन थोड़ा दही मिला के रख देते हैं, अगले दिन आटा तैयार हो जाता है। कैसे एक चेन सिस्टम से ये बनाते हैं आप पूरा देखेंगे। एक भाई इस प्रकार से प्लास्टिक की बोतल में भर भर के देते हैं, इस प्रकार से बोतल को एक भाई साफ करके देते हैं और फिर बड़े कढ़ाई में जो जलेबी बनाने की जो कढ़ाई होती है उसमें दो भाई तीन भाई भी डाल सकते हैं, दो तीन लोग भी डाल सकते हैं जो जलेबी के शेप में डालते हैं। वो थोड़ा सा पकते ही वहाँ से खाली कर देते हैं ताकि वो जगह खाली होते जाता है, डालते जाता है और वो बड़े कढ़ाई में पकने के लिए डालते हैं। फिर वहाँ भी दो भाई फिर उसको पकाने के लिए एक एक को उस प्रकार से देखते हैं। देख रहे कितना कम समय पे फटाफट बनते जा रहा है, थोड़ा सा पकते ही वहाँ से निकाल देते हैं ताकि इस जगह को खाली कर देते हैं और यहाँ से निकाल कर फिर इसको बड़ी कढ़ाई में डाली जाती है। इस प्रकार से यहाँ से निकाल कर बड़ी कढ़ाई में डालती जाती हैं और ये कढ़ाई को खाली करते जाते हैं और फिर बड़ी कढ़ाई में उसको अच्छी तरह से पकाई जाती है। इस प्रकार से बड़ी कढ़ाई में उसको पका के जो पकी हुई है उसको अलग करके इकट्ठा करके फिर उसको चाशनी में डाली जाती है। इस प्रकार से यहाँ पका पका के बड़ी कढ़ाई से और फिर दो तीन भाई उसको चाशनी में डालते जाते हैं। फिर चाशनी में जब डालते हैं वो पूरी जलेबी हो जाती है। फिर एक भाई उसको चाशनी में डुबा के इस प्रकार से चाशनी में पूरा भिगोने के बाद फिर उसको निकालते जाते हैं। ये हो गए कंप्लीट जलेबी। ये कम समय के अंदर ढेर के ढेर एक साथ बनते जाते हैं और साथ में ये भी आपको मालूम हो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर में जो कुछ भी बनाए जाते हैं, चाहे भोजन हो चाहे मिठाई हो, पहले भगवान को उसको भोग लगाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है। इसलिए जो भी बनाने वाले होते हैं तन से मन से बहुत ही शुद्धता से ये बनाए जाते हैं। और पहले इसको भोग भगवान को अर्पण करने के बाद में सबको खिलाया जाता है भोग के रूप में। इसलिए ये देख रहे हैं इतने सुंदर एक साइज में ढेर के ढेर कम समय में इतना बना देते हैं।